नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, माता वैष्णो देवी जगत जननी जग तारिणी देवी है। उनके दर्शन मात्र से जीवन भर के पाप कट जाते हैं। कहा जाता है कि अपने दरबार में झोली फैलाने वाले को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। दोस्तों, आपने भी जरूर माँ के दरबार में हाजिरी लगाई होगी। यही विश्वास पूरी दुनिया के भक्त जनों को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आकर्षित करता है। दोस्तों, आज हम माँ वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो चलिए आइए जानते हैं। तो यह मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की हसीन वादियों में कटरा से 12 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता वैष्णो के दर्शन करने पर उनके तीन स्वरूप दिखाई देते हैं। ये तीनों रूप पिंडी स्वरूप में है, जो क्रमशः माता महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का रूप है। इनके सम्मिलित स्वरूप को ही माता वैष्णवी कहा जाता है। माँ वैष्णो देवी ने दक्षिण में रामेश्वर में पंडित रत्नाकर जी के यहाँ जन्म लिया। उन्होंने इनका नाम त्रिकुटा रखा। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। कहा जाता है कि माता के जन्म होने से पहले उनके पिता ने वचन दिया था कि बालिका जो भी करना चाहे वो उसके रास्ते में नहीं आएंगे। दोस्तों, जब माँ 9 साल की थी तो उनको यह पता चला कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया है। तब वह भगवान राम को पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब भगवान राम सीता माता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुँचे, तब उन्होंने समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण करीब 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने कराया था। पंडित श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार पंडित श्रीधर को माता रानी ने स्वप्न में भंडारा कराने का आदेश दिया, लेकिन पंडित श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके कारण वह आयुर्वेद की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागते रहे। अंत में उन्होंने सब माता रानी पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में आई और भंडारा तैयार किया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहाँ मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उन्होंने भोजन में मांस मदिरा की मांग की, लेकिन वहाँ वैष्णो देवी के रूप में स्थित छोटी कन्या ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाए और उन्होंने उस दिव्य कन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। वह दिव्य कन्या गायब हो गई। इसके बाद पंडित श्रीधर बहुत दुखी हो गए। उन्हें माँ के दर्शन करने की लालसा थी, जिसके बाद एक रात माता वैष्णो ने पंडित श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। पंडित श्रीधर ने बताई गई बातों के अनुसार पवित्र तीर्थ की खोज की और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके बाद से ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा याचना की, जिसके बाद माता ने उसे माफ कर दिया और भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ हर साल हजारों किलो सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर की सालाना आय लगभग 500 करोड़ रुपए है। यह देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारत में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।